तो चलें स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एमसीक्यू वीडियो नंबर 3। तो आई होप एवरीथिंग इज ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्स्ट क्वेश्चन। टिटकेल इज डेवलप फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन। टिटकेल किसके क्रॉस से डेवलप किया गया है? टिटकम, एस्टिबम, स्केल सीरियल्स, ओराइजा सटाइवा, टिटकम एस्टिबम, सी एवेना सटाइवा या टिटकम एस्टिबम, डी टिटकम टर्जीडियम, टिटकम एस्टिबम। इसका आंसर हो जाएगा ए टिटकम एस्टिबम एंड स्केल सीरियल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। CGMS सिस्टम इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन। CGMS सिस्टम साइटोजेनेटिक्स मील स्टेल्टी सिस्टम किस क्रॉप में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बाजरा। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ड्वार्फ जीन इन राइज वेराइटी TN1 इज। इनमें से कौन सा ड्वार्फ जीन के लिए सोर्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए DGWU gene। ओके, नेक्स्ट, बाजरा CMS लाइन टिप्ड 23rd ए इज ससेप्टेबल टू। तो ये किसके लिए ससेप्टेबल है? इसका आंसर हो जाएगा बी डाउनी मिल्ड्यू। इसका आंसर बी होगा डाउनी मिल्ड्यू। ये आंसर गलत बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। द ग्रीन लीफ ऑफ सोरगम प्लांट कंटेन। जो सोरगम की ग्रीन लीफ में प्लांट क्या कंटेन करता है? HCN, गोसीपोल या टेनिन ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए HCN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन मेज मेल इन्फ्लुएंस नोन एज। तो मेज में जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स, टेसल, एरो या सिल्क। तो जो मेज में मेल पार्ट होता है उसे हम टेसल बोलते हैं। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेड वीट इज अ। ब्रेड वीट इनमें से कौन सा है? टिटकम ड्यूरम, टिटकम एस्टिबम, टिटकम टूसाई एंड टिटकम मोनोकोकम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी टिटकम एस्टिबम। ठीक है, नेक्स्ट, बाजरा इज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू। जो बाजरा की क्रॉप है वो किसके कारण क्रॉस पोलिनेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोगाइनी। बाजरा एक प्रोटोगाइनी प्लांट है जिसमें फीमेल पार्ट पहले ग्रो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9। सेंट्रल ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड राइज इन। तो इनमें से कौन सा सेंट्रल ऑफ ओरिजिन राइज का सेंट्रल ऑफ ओरिजिन है? तो इसका आंसर तो मे बी आप सभी को आता ही होगा कि इसका आंसर हो जाएगा इंडो बर्मा रीजन, राइट।
क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ हाइब्रिड राइज इज, फादर ऑफ हाइब्रिड राइज इज, तो इसका जो आंसर होगा वो है वाई एल पिंग बी। आगे मूव करने से पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूँ कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर फाइन ग्रेन एरोमेटिक राइज वेराइटी डेवलप इज, पूसा बासमती 1, पूसा 1121 एंड सी पूसा RH10 एंड डी तारा तरोई बासमती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पूसा बासमती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जीनोम एंड क्रोमोजोम नंबर ऑफ ब्रेड वीट आर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि देखिए इसमें जीनोम भी दिया गया है और क्रोमोजोम नंबर भी। तो क्रोमोजोम नंबर आप सभी को पता है कि वीट में 42 होता है, लेकिन आपको जीनोम पहचानना है। तो इसका जीनोम जो होगा वो होता है ए ए बी बी डी डी, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज लोकेटेड एट, तो IRRI कहाँ पर लोकेटेड है, इक्रिसेट या सूडान ताइवान या सिमिट या लासोबानो लोस बानोज ल्यूगुना फिलीपींस। तो ये तो आप सभी को पता है जो IRRI फिलीपींस में इस्टेब्लिश है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वार्फिंग जीन इन वीट एंड राइज हैव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट हाइयर लेवल ड्यू टू, जो ड्वार्फिंग जीन है इन वीट एंड राइज में इंक्रीज, वो इंक्रीज हाई लेवल ड्यू टू रेजिस्टेंस लोडिंग इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, बी फोटो इंटेंसिव वाइड एडेप्टेबिलिटी, सी हाइयर फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन रिस्पॉन्सिव, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, टिटकेल इज डेवलप बाय, टिटकेल को किसने डेवलप किया था, टी ए एडिसन, एम एस स्वामीनाथन, डब्लू रिम्फू, एन ई बोरलॉग। तो टिटकेल को रिम्फू ने डेवलप किया था। ठीक है, आंसर विल बी सी। तो नेक्स्ट स्लाइड विल बी द क्वेश्चन नंबर 16, पेनिसेटम पुरपुरियम इज वाइल्ड रिलेटेड ऑफ, पेनिसेटम किससे रिलेट करता है, पेनिसेटम ग्लूकम किसका बॉटनिकल नेम है, परमलेट का, तो आंसर भी हमारा परमलेट होगा। ओके, जो पेनिसेटम पुरपुरियम वाइल्ड रिलेटेड है वो बाजरा परमलेट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डन राइज इज डेवलप फॉर, गोल्डन राइज किस लिए डेवलप किया था, किस लिए डेवलप किया गया, हाई ईल्डिंग के लिए, बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए, अर्लीनेस के लिए या क्लोनल सिलेक्शन के लिए। तो आंसर विल बी बी बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी परमलेट फ्लोर इज रेंसिड ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ, जो परमलेट फ्लावर होता है उसमें फ्लोर होता है उसमें किसकी अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की या
विटामिन B12 की, तो इसका आंसर होगा सी, फैट्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूज्ड इन डेवलपिंग पेरेनियल फॉडर वेराइटीज इन परमलेट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, इनमें से कौन सा होगा? आंसर विल बी डी, पेनिसेटम पर्पोरियम, जो फॉडर वेराइटी है ये पेनिसेटम पर्पोरियम में परमलेट की आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे इज प्रेजेंट इन, जो C4 फोटोसिंथेसिस किस में प्रेजेंट होता है? मोस्टली ये रबी सीजन क्रॉप में पाया जाता है, तो इसमें रागी, राइस, मेज, ये सब खरीफ क्रॉप हैं, तो आंसर विल बी डी, ओ सॉरी, आंसर विल बी सी, मेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ पोटेंशियल डोनर ऑफ जीन फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस दैट मे बी यूज्ड इन इम्प्रूविंग डिजीज रेजिस्टेंस इज मेज, इन मेज। टोसाइंट, पेनिसेटम, पिप्सेकम या नन, आंसर विल बी सी, ट्रिप्सेकम। ओके, नेक्स्ट, ग्लूटेन इज प्रेजेंट इन, ग्लूटेन किस में प्रेजेंट होता है? वी ऑल नो इन वीट, ग्लूटेन प्रेजेंट इन वीट। ओके, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, परमलेट इज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू, परमलेट जो बाजरा की क्रॉप है वो किसके कारण क्रॉस पोलिनेटेड होती है? तो जैसा कि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटोगाइनी की वजह से क्रॉस पोलिनेशन, परमलेट क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है, आंसर विल बी ए। अच्छा, इसमें जो प्रोटो एंड्री मीन्स क्या होता है और प्रोटोगाइनी मीन्स होता है फीमेल पार्ट पहले ग्रो होना, और प्रोटो एंड्री मतलब होता है मेल पार्ट का पहले ग्रो होना, और क्लिस्टोगेमी मतलब होता है कि अनओपन फ्लावर में बिफोर ओपनिंग फ्लावर फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन हैव कंप्लीट। ठीक है, चेजमोगेमी मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओपनिंग फ्लावर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्पेडिक्स इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, स्पेडिक्स मीन्स होता है फीमेल पार्ट ऑफ मेज, तो आंसर विल बी ए। इसे हम ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वालिटी प्रोटीन मेज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ लाइसिन, ट्रिप्टोफेन एंड मैथियोनिन, तो आंसर विल बी डी, ए एंड बी, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 26, CRRI इज लोकेटेड एट, CRI मतलब सेंट्रल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड इज कटक, उड़ीसा, सी, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 27, वीट फ्लोरेट कंटेन स्टेमेंस डैश स्टेमेंस, ए 3,
क्वेश्चन नंबर 28, रागी कंटेंट हाइयर अमाउंट इन अमीनो एसिड। आंसर विल बी मैथ्यूनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सी रानी ऑफ सीरियल्स है? तो परमलेट, बी मेज, राइज या वीट। आंसर विल बी बी मेज। क्वीन ऑफ सीरियल्स विल बी मेज। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप्स कम इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ जिया इज। आंसर विल बी सी हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जॉनसन ग्रास इज द क्रॉस बिटवीन। जॉनसन ग्रास किसका क्रॉस है? आंसर विल बी ए एरुंडिनेक्सियम, एस स्पेरो स्प्रोपिन कम। रेजिस्टेंस टू स्ट्रिगा इज स्पेसिफिक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ। आंसर विल बी ए सोरगम। रेजिस्टेंस टू स्ट्रिगा इज स्पेसिफिक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ सोरगम। क्वेश्चन नंबर 33, वीट कंटेंट अ सब्सटेंस which make possible the production of loaf bread. Answer will be A. Gluten. Question number 34, which of the following is cultivated rice? इनमें से कौन सा rice cultivated है? Oryza rufifogon, Oryza sativa, Oryza latifolia, Oryza elata। आंसर विल बी बी Oryza sativa। क्वेश्चन नंबर 35, डायरेक्टोरेट ऑफ राइज रिसर्च इज लोकेटेड एट। चेन्नई, कटक, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। आंसर विल बी बी आंसर विल बी सी Directorate of Rice Research, Hyderabad, located at Hyderabad. Next question will be, Queen of Cereals is, we have already discussed, Queen of Cereals is known as D. Corn. Next question, Female flower of maize is known as, जो मेज का फीमेल फ्लावर होता है वो किस वो इनमें से कौन सा होगा? सिल्क या स्पेडिक्स, रेसेमम, सी टेसल, डी इनफ्लोरेंस। तो इसका आंसर विल बी ए सिल्क, और मेल पार्ट को बोलते हैं टेसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ मेज। इनमें से कौन सी मेज की इम्प्रूव्ड वैरायटी है? गंगा सेफ्ट 2, गुजरात मेज 6, डिकेन 103, शक्ति। आंसर विल बी ए आंसर विल बी बी गुजरात मेज 6। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज। इनमें से कौन सी हाइब्रिड मेज की हाइब्रिड वैरायटी है? गुजरात मेज -6, विक्रम,
या गंगा गंगा स्विफ्ट डैश टू या शक्ति। इनमें से आंसर होगा जो मेज की हाइब्रिड वैरायटी है विल बी गंगा स्विफ्ट डैश टू, आंसर विल बी सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव ओरिजिन ऑफ द फिंगर मिलेट इज, जो फिंगर मिलेट का ओरिजिन है वो नेटिव ओरिजिन कौन सा होगा, हिमालयन हिल्स, अंद्रुस हिल्स, रॉकी हिल्स, इथोपियन हाइलैंड्स, आंसर विल बी डी, इथोपियन हाइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात नागिल डैश थ्री इज पॉपुलर वैरायटी ऑफ, आंसर विल बी ए फिंगर मिलेट, गुजरात नागिल डैश थ्री इज पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिंगर मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट ऑफ सोरगम हाइब्रिड CSH5 इज, आंसर विल बी बी 2077 A मल्टी क्रॉस विथ CS3541। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू।